सडनली मौसम होने लगा है ख़राब। यहाँ निकल रही है धूप और इस तरफ आ रहा है बिल्कुल काला बारिश का बादल। अब पता नहीं पहले आंधी आएगी या बारिश, बट हाँ मौसम तो ख़राब हो रहा है। मम्मी बना रही है शाम को चाय के साथ सब लोगों के लिए चिप्स। आजकल ना शुभम मनी को शाम को चिप्स खाने का बहुत मन करता है। मेरा डिनर हो गया, मैं आई हूँ ऊपर अब वॉक करने। हालांकि आज मौसम था नहीं इस तरह का कि मैं सबसे ऊपर आऊँ छत पर और वॉक करूँ। आज बहुत ठंडा सा मौसम हो रखा है और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। शाम को मौसम बिगड़ा था, बारिश यहाँ इतनी नहीं हुई है, कुछ मतलब हल्की हल्की बूंदा बांदी, बट हाँ मौसम ख़राब हो गया। मैं अभी वॉक करके नीचे आई हूँ, मम्मी को दे रही हूँ थोड़ा सा गर्म करके नमक। मम्मी को ना कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर ने बोला है इस तरह से नमक से, गर्म नमक से कमर को सेकने के लिए थोड़ा सा। लगाऊंगी अभी थोड़ा सा हेयर ऑयल, सुबह करना है हेयर वॉश। यही बस इतना आपको इतने बड़े इतना बड़ा बड़ा नूर आ रहा है हमारी तरफ? कोई बात नहीं, अब हमारी तरफ का खा लो। अरे ये पहना था सेम कितना ये है, वो साइज ही नहीं है, इससे बड़ा वो नहीं आता था पहले। इतने पतले छिड़के का कलर भी है सही। ये भी लग तो मीठे रहे अच्छे निकले। ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। ये है बैंगनी, मतलब एक भरवा बैंगन टाइप सब्ज़ी होती है, दही और पराठा। और एज़ यूजुअल ब्रेकफास्ट करने के जस्ट बाद मम्मी ने बनाना स्टार्ट कर दिया है लंच। आज मम्मी बना रही हैं छोले, छोले चावल। तो उन्होंने जो कसा हुआ प्याज था उसमें जिंजर और गार्लिक को डालने के बाद उसे अच्छे से भूना है। उसके बाद वो ऐड कर रही हैं इसमें सूखे मसाले, धनिया पाउडर, थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी सिर्फ नाम के लिए क्योंकि ब्लैक वाली ग्रेवी बनेगी इसकी, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। और अब डाला है उन्होंने चना मसाला, उनका फेवरेट मसाला जो मोस्टली सब्जियों में डालते हैं, और आज तो बन ही छोले रहे हैं तो डेफिनेटली डलेगा। और बस इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फाइनली इसमें मम्मी ऐड करेंगी टमाटो प्यूरी। और बस अब इसमें और कुछ ऐड नहीं करना है, इसे बहुत 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 अच्छे से पकाना है अब सिर्फ। जितनी भुना है उतना टेस्ट आएगा इसमें। इसे उबाल के डालना पूरा जाए के, इसका अलग ही टेस्ट आएगा। कच्चा पानी ना डालना इमली का कभी भी। और यहाँ बन रहा है चाय पत्ती का पानी। ये बॉईल हो जाने के बाद इसमें ऐड करना है, मतलब छोले में। मैं जो चाय पत्ती है वो स्टार्टिंग में ही पोटली बनाकर डाल देती हूँ छोले जब बॉईल करने होते हैं। मम्मी इस तरह से बाद में डालती हैं, सबसे एंड में जब बन जाता है इमली भी और ये चाय पत्ती का पानी भी। अब बस ये बिल्कुल रेडी है और अभी अच्छे से कुक होगा, एक दो विसल और आएंगी इसमें। लाइट गई, तैयार हमें घूमने के लिए। हाँ मम्मी कहीं घूमने नहीं गई हैं, मैं ऐसे ही कह रही थी। मम्मी डॉक्टर के यहाँ गई हैं, मम्मी के ना स्पाइन में प्रॉब्लम है, तो मम्मी मतलब जो बहुत ज़्यादा गैप वाली स्टेयर्स होती हैं वो यूज़ नहीं कर सकती। और अभी कुछ टाइम पहले मैं अपनी फ्रेंड के घर पर गई थी, तो वहाँ उन्हें अनफॉर्चुनेटली मतलब एक ही सीढ़ी थी सिर्फ, बहुत ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ एक सीढ़ी थी बट उसमें गैप काफ़ी ज़्यादा था। तो मम्मी ने मतलब वहाँ पर वो सीढ़ी चढ़ ली और उस दिन से मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई हुई है। और अब तो उन्हें इतना पेन हो रहा है कि उन्होंने आज सुबह मतलब वो जब छोले बनाए उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया जिनसे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और उन्होंने फिर बुलाया है अभी, तो वहाँ पे गई हैं मम्मी शुभम के साथ में। अब बस खाना वगैरह तो हो ही गया, मैं बस थोड़ा सा घर सेट करूँगी, फिर आंटी आ जाएंगी और मुझे। हाँ ये जो इधर वॉश बेसिन के नीचे वाला जो एरिया है ना, मैं बस इसे आज ऑर्गेनाइज़ करूँगी,
और इसके अलावा भी आज और कुछ नहीं करी। वैसे मैंने ये वाला स्टोर सोचा था मैं आज ये ऑर्गेनाइज़ करूँगी, बट इसका सामान पहले शुभम निकालेगा, उसके बाद मैं इसे अरेंज करूँगी, क्योंकि यार यहाँ पे ना कई बार एक छिपकली निकल जाती है और इसलिए मैं इसका सामान निकालती नहीं हूँ। यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर जितना भी टॉयलेट्रीज और सैनिटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब हम लोग रखते हैं। तो जैसे कि मेरे भाई और घर में ना, मतलब सबके सब ऐसे, ये जैसे इसमें से सारी सोप निकल चुकी है तो ये खाली ये पड़ा है, तो इस तरह से। ये यहाँ पर ना बनने के बाद भी मतलब इसमें यहाँ इधर इस पाइप से पानी लीक होता था, तो पता नहीं यहाँ पर ना जो पानी है वो थोड़ा सा हार्ड है, तो जब भी वो यहाँ पर कहीं पर भी गिरता है नीचे फर्श पर या इधर ये वुडन सरफेस पे गिरा है तो मतलब ख़राब कर देता है ये उस चीज़ को, पता नहीं कैसे। जैसे यहाँ पर एक येलो स्टेन पड़ गया था, और इधर जितनी भी मतलब ऐसे स्टील की या आयरन की कोई भी चीज़ हमने जब रखी थी ना तो वो सब ख़राब हो गया था। तो अभी मैं यहाँ पर जो भी कुछ प्लास्टिक का होता है ना सिर्फ वो ही स्टोर करती हूँ, और इस तरह से मैंने यहाँ पर ये प्लास्टिक भी यहाँ लगाई थी बट अभी ये निकल गया। खैर मैं ऐसे अभी जैसे कि ये देखिए, ये जो फिनाइल की बॉटल है इसके ऊपर जो कैप है वो मेटल का होता है, तो उसका भी क्या हालत हुई है। तो इसमें हर चीज़ ऐसी हो जाती थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ प्लास्टिक का ही सब सामान अब रखा है, बाकी सब हटा दिया था यहाँ से, बट जो ये वुडन इसका सरफेस था वो पूरा ख़राब हो चुका है। क्या कहा? अच्छा ये वो इंडोर प्लांट जो मैंने आपको दिखाया था जब मैं लेकर आई थी, मैंने यहाँ इसे ऊपर रखा है और इसमें एक बिल्कुल नई लीफ निकली है। इसका मतलब इसने एटमॉस्फेयर को अच्छे से अडेप्ट कर लिया है, ये ग्रो कर रहा है। और मम्मी एज़ यूजुअल लेकर आई हैं सब्ज़ी और कुछ फ्रूट्स। सब्ज़ी में सिर्फ ग्रीन चने हैं और बाकी ये फ्रूट्स। और मैंने बनाया है अभी लंच के लिए ये कचुम्बर सैलड, और थोड़ा सा बनाया मैंने बूंदी रायता, क्योंकि सब लोग नहीं लेंगे इसलिए मैंने बस थोड़ा सा ही बनाया। और आज का खाना है, मतलब आज का पूरा मील है छोले चावल बूंदी का रायता और कचुम्बर सैलड, ये सब कुछ साथ में बहुत टेस्टी लगता है। कैसा ठीक है? मैं ले आऊँ मीठा ना हो? क्या हुआ मम्मी, क्या याद आया आपको 2 मिनट बाद? मुझे याद आया मैं ये सुखा दूध में खाऊ ना, देख अभी मेरा चम्मच में रखे पैकेट लिया ना, एक पैकेट अच्छा। बचा सारे खा गई मैं। बहुत अच्छा कि आपने भी नहीं डाला। आज इसमें लहसुन भी डाल रहा मैंने, और भी अच्छा होता अगर आप मटर नहीं डालते हो। सारी स्वाद तेरी बना लू। तो मैं देखो कितना जल्दी कितना सारा सामान लेके आई हूँ, आपके तरह थोड़ी ना 2-2.5 घंटे लगा दू रामगंज में ही। ये देखो आपने तेल मंगाया था, मैं तेल लेके आई हूँ। हाँ पहले से आता है ब्रेड, ये आपका कड़ी पत्ता,
और पनीर, और देखो मैं शुभम के लिए क्या लेके आई हूँ। उसकी फेवरेट बूंदी और मैं आपके लिए भी कुछ लेके आई हूँ। आपका फेवरेट बताओ क्या है। मेरे लिए तो हड़ी रसम का दूध है। वो तो आप ऑलरेडी खा रही हो ना, कुछ और बताओ जो आपको बहुत पसंद है, मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आपने बहुत दिनों से खाया भी नहीं था। मक्खन वाले नहीं, वो मिठाई थोड़े ना, मिठाई में पहले सोच रही थी मैं लेके आऊँ, फिर मैंने सिर्फ बूंदी ली। मैंने कहा अभी होली पे लेकर आएंगे ना, तो अभी क्यों, तो मैंने आज नहीं ली। बताओ और क्या हो सकता है जो मुझे भी बहुत पसंद है। मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, मैं कभी मना नहीं करती उस चीज़ के लिए। पानी बता से नहीं, हाँ वो भी एक चीज़ है, बट मीठे में। अच्छा वो क्या क्या बोले खम, अरे इसे क्या बोल रहे ढोकला, मम्मी खमन मीठा नहीं होता है। क्या मीठा कहने का ही होता है। आपको तो मेरे बारे में भी नहीं पता। मैं हाँ, लेकिन मुझे पता है। अच्छा मैंने बिना देखे बता दिया, केक लाइए, मिल्क केक, आइसक्रीम। दो आप तो पूरी गलत हो अम्मी। आज लो निकाल लो उसका। एक गिलास है चावल, देखा आपको इतने दिन हो गए खाए हुए, क्या आप भूल ही गई आपका फेवरेट क्या है। भूल ही गई सच में, पर आप ये देख रही हो मैं कितना जल्दी कितने सारे काम करके आई हूँ, थ्रेडिंग कराई है और इतना सारा सामान लेके आई मैं। एक ही मंडल की तेरे पीछे बैठूं तो उससे फर्क पड़ता है। हाँ नहीं यार, फालतू का टाइम लगाती हूँ चीज़ों में, सब बातें करती चलूंगी। हाँ मैंने फटाफट फटाफट काम किए हैं, देख लो आधा घंटा लगाओगे ना शायद बस। अरे दोस्तों को तो खिलाया करना ना सबसे पहले, दोस्तों को। हाँ आप हो ना खिलाने। ये भी लाई मैं आपके लिए। ठीक है चना दाल, आपको बहुत दिन से खानी थी ना, कल दूंगी आपको उसकी चाट बनाऊंगा। इसमें बड़ी पैकेजिंग मांगी थी मैंने, बड़ी थी नहीं छोटी थी, तो मैं दो ले आई आपके लिए। मिस कर रही थी ना आप ये भी। देखा आज डिनर में मम्मी ने बनाए हैं मटर के पुलाव, उनकी फेवरेट। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन केस इफ़ यू वांट टू सी द रेसिपी। और मैंने इसके साथ बनाया है बूंदी रायता, और मैंने उसी के साथ ही थोड़ी सी उसमें चटनी मिक्स कर ली है, क्योंकि मुझे रायता इसके साथ ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे चटनी ज़्यादा पसंद है। इसलिए अब मैं इसे इंजॉय करूँगी और आप लोगों से मिलूँगी कल फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।